ओम शांति, ओम शांति। आपके लिए बहुत सुंदर। आप आए तो क्या आ गई इस ऑर्नेट में? हाँ, आप आए तो क्या आ गई? आप सब बताएं, बाहर आ गई। हाँ, तो ताली बजाएं उस बाहर पे। वेरी नाइस। आप आए तो बाहर आई, आप आए तो खुशी आई। और ऐसी खुशी को 3 डेज के सेशन तक बरकरार रखना है या पूरी लाइफ अच्छा रखना है, वो हमारी चॉइस है। तो अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेते और बच्चे बहुत सुंदर परफॉर्मेंस के साथ हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। तो मैं बच्चों को कहूंगी और हमारी फैकल्टी जो हमारे सेशंस को लेने पहुंची हैं, मैं गिरीश भाई को कहूंगी। डॉक्टर गिरीश भाई एक बार हाथ हिला के हमारी ऑडियंस को ज़रूर ऑनर कर दे। आप देख ले और बहुत ज़ोरदार ताली बजा के इस वसुंधरा परिवार की ओर से, गाज़ियाबाद की ओर से भाई सब का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रोग्राम को चलाना और इनकी गाइडेंस जो हमें मिलना, ऐसी गाइडेंस देने के लिए हमारे बीच में हमारे कबीरनगर के सेंटर इंचार्ज जो पूरे सेंटर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, राजेश दीदी को मैं कहना चाहूँगी। एक बार आप भी दीदी वहीं पे खड़े होके एक बार सबको हाथ हिला के कहें, दीदी भी उस प्रोग्राम में पहुँच गए हैं। तो दीदी को कहूँगी, दीदी एक बार उठें और हाथ हिलाएं, और दीदी का भी बहुत ज़ोरदार ताली बजा के कि आप नहीं गाइड करते तो ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता। और इतना सुंदर भव्य नज़ारा देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। मन बार बार यही कह रहा है, दिल से निकली ये दुआ है हमारी, दिल से निकली ये दुआ है हमारी, जिंदगी में मिले खुशियाँ आपको सारी, जिंदगी में मिले खुशियाँ आपको सारी। तो इन्हीं खुशी के लम्हों के साथ आज का हम कार्यक्रम बच्चों की बहुत सुंदर वेलकम परफॉर्मेंस से करने जा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर गिरीश अंकल का हम सबके बीच में स्वागत करने आ रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, ओम शांति, प्यार से बोले ओम शांति, जरा सा मुस्कुरा के बोले ओम शांति। मुस्कुराने में दोस्तों नहीं लगती है कोई लागत, खुशी खुशी करो हर नए दिन का स्वागत। खुश रहना भी तो होती है एक कला, आ जाइए तो कट जाती हर व्याधि हर बला। इसी कला को सीखेंगे हम अब 3 दिन, कैसे जीते हैं दोस्तों तनाव के बिन। सर्वप्रथम दिल से स्वागत करते हैं हम आप सबका, आपसे हमें मिलवाया शुक्रिया करते हैं हम रब का। बच्चों का ताली बजा के उत्साह बढ़ाएं। Thank you.
परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। बहुत 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 शुक्रिया। स्वागत बारंबार है सिर्फ डॉक्टर गिरीश भाई का ही नहीं, हम सभी ऑडियंस का। 3 दिन तक लगातार इस प्रोग्राम में बने रहें हमारे साथ यहाँ पर और परमात्मा की दुआओं में पलते रहें। तो अब मैं डॉक्टर गिरीश भाई को मंच पे बुलाना चाहूँगी, आप आएं और हम सबको आप जो इतने सुंदर सुंदर सेशंस हमारे लिए प्लान करके आए हैं, तो आप उन सेशंस के लिए पधारेंगे। और सेशन का पहला टॉपिक बहुत सुंदर है। सेशन का टॉपिक है हम अपनी हैप्पीनेस को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी हेल्थ को अच्छा रख के हम हैप्पीनेस को कैसे इम्प्रूव करें, और सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है वो हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर गिरीश भाई का मैं आपको सब कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आप बहुत अच्छे ऑथर हैं, आपने 6,500 से भी ज़्यादा अपने सेशंस डिलीवर किए हैं, और आप इंटरनेशनल फैकल्टी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने ताली भी नहीं बजाई। और तो और माय इंडिया हेल्दी इंडिया, माय सब बोले माय इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट भी आपने किया, और बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं लेकिन अब्रॉड में भी करते हैं। और आपको बहुत सुंदर ये जान के खुशी होगी कि जैसे ही भाई साहब दिल्ली में पहुंचे हैं आप तुरंत तब से बैठे नहीं हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद आपने मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का बहुत ही सुंदर 100 डॉक्टर्स का भी प्रोग्राम करके आप सबके बीच में पहुंचे हैं। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई का बहुत तहे दिल से स्वागत है, आभार है, आभार है। और अभी मैं कहूंगी कि आप इससे पहले हमारे संगीता शर्मा जी यहां पर बैठे हैं, आप डायरेक्टर हैं परिवर्तन स्कूल गाजियाबाद के, आप हमारे आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई सब का हम सभी की ओर से बुके देकर आप स्वागत करेंगे। संगीता शर्मा जी डायरेक्टर परिवर्तन स्कूल, संगीता शर्मा जी डायरेक्टर परिवर्तन स्कूल गाजियाबाद, आप भाई सब का हम सब की ओर से बुके देकर आप भाई सब को सम्मानित करेंगे और आपको इस प्रोग्राम की ब्रीफिंग देते रहेंगे। बीच बीच में ये प्रोग्राम चलता रहेगा, अभी 1 घंटे का भाई सब का सेशन है 7 o'clock तक। 7 o'clock के बाद हमारे और भी गेस्ट पधारेंगे और हम उनके बाद कैंडल लाइटिंग भी करेंगे। एक बार आप सभी मैं चाहूंगी खड़े होके आप सब भी भाई सब का देखें तो कितना प्यार है और कितने प्यार से आप पधारे हैं। सभी हाथ ऊपर करके हम बुके सब तो नहीं दे सकते लेकिन प्यार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। एक बार अच्छे से एक बार वेव करके हाथ, अब सभी बैठ जाएं। संगीता जी का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स, आपने हमारे डॉक्टर गिरीश भाई को हम सब की ओर से सम्मानित किया। और हम चाहेंगे कि संगीता जी आप भी इस पूरे प्रोग्राम में हमारे 5 सेशंस में रहें, हमको भी इसका बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी हमारे साथ
इवन संगीता जी नहीं लेकिन पूरा के पूरा जितना भी परिवार यहाँ बैठा है आप सब आएंगे 5 दिन कंटिन्यू, तो भाई सबको हाथ हिला के बताएं। वेरी नाइस। चलिए तो अभी हम सुनते हैं डॉक्टर गिरीश पटेल भाई से। स्पिरिचुअल रेमेडीज फॉर हैप्पीनेस एंड हेल्थ। इस सेमिनार में पधारे सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। ओम शांति। 10 लोगों ने नमस्कार किया, 50 लोगों ने ओम शांति बोला, और सब क्या कर रहे हैं? जिन्होंने जवाब नहीं दिया क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। हम टीवी देखते हैं ना, हाँ, कि प्लेन में ऑक्सीजन लेवल को करना भूल गए तो लोगों को ब्लीडिंग हो गया ना, तो देख रहे क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। परंतु आप ये 5 सेशन में आएंगे तो टीवी देखना बंद, अर्थात कि मुझे प्रतिक्रिया दो। मैं साल में से 300 लेक्चर देता हूं, परंतु मैं क्या बोलूंगा? अंदर में बहुत कुछ है, मुझे नींद में भी जगा दो मैं बोलना शुरू कर दूंगा। बाहर क्या निकलेगा उसका आधार आपके ऊपर है, आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। मेरी बात अच्छी लगे तो गर्दन हिलाओ, तो मैं भी समझूंगा कि सो नहीं गए, नहीं तो ऐसे प्रोग्राम में लोग सो जाते, जगा तो नहीं सकते ना। एक बार एक प्रोफेसर लेक्चर ले रहे थे, फ्रंट में एक लड़का सो गया, उसने बाजू वाले को कहा कि उसको जगा दो, तो लड़के ने कहा मैं क्यों जगाऊं, आपने उसको सुलाया, आप ही जगाओ। हाँ, तो ऐसा नहीं करना पड़े। हाँ, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें पूछूंगा। हाँ, तो आपको जवाब देना है। हाँ, हंसना आता है? हंसना आता है, यस और नो? सिद्ध करके बताओ। देखो नहीं आता है, 10% को ही हंसना आता है। अब देखना, बच्चे दिन में 80 बार हंसते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हंसना भूल जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? छोटी बात को बड़ी बना के हंसो। हंसने के लिए कोई कारण चाहिए ना, बिगर कारण के हंसेंगे तो मेरे क्लिनिक में भेज देंगे आपको। हाँ, तो आपको बहुत सारे कारण मिलने वाले हैं। ताली बजाना तो आता है ना, क्यों भी भूल गए? देखिए, ताली बजाने के भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको हर सेशन में एक एक बताऊंगा ना। एक तो सबसे सिंपल है कि स्पीकर का उमंग उत्साह बढ़ाना है, ताकि अच्छे से अच्छी चीज बाहर आए। हंसना, ताली बजाना, ये तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। फिर भी करना है क्योंकि तब आप इंजॉय करेंगे। परंतु यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है इन बातों को फील करना। जो चीजें मैं बताऊंगा ना बहुत गहरी है, ऑर्डिनरी नहीं है। बोले मैं कोशिश करूंगा कि भी सभी से समझ जाए। जो विज्ञान की बातें हैं वह भी एक आम व्यक्ति भी समझ जाए, है ना, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। परंतु फील करना जरूरी है, अन्यथा परिवर्तन नहीं आता है, है ना। कई लोग मुझे मिलते कहते डॉक्टर मैंने तो आपके 500 लेक्चर सुने, आप क्या बोलते हो वो मैं बोल सकता हूं, परंतु परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वह फीलिंग इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा इमोशंस क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो ठीक है, शुरू करें। 2-4 लोग ही बोल रहे हैं और कहते हैं सर जो बोलना है बोलो। मीडिया वाले बोले हैं और दिखाए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जवाब देने का, देखो मैं प्राइमरी स्कूल टीचर, ये 5 सेशन में PhD का टीचर भी बन जाऊंगा, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ना पड़ेगा ना। देखो आप लोग प्लेन में बहुत लोग गए होंगे ना, तो भले आप 500 बार प्लेन में गए लेकिन हर बार वो अनाउंसमेंट होती है कि भी ऑक्सीजन मास्क
कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक नीचे आएगा। हाँ, मुंह ढक के सांस लेते रहो, बोलते हैं ना। अब विदेश में भी कहीं गए हो तो लेक्चर से पहले अनाउंसमेंट होती है, क्या पता है कि एग्जिट कहाँ है, क्योंकि आग लगी है ना, तो कहते सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि भागना कहाँ से है, नहीं तो बोलेंगे कि आपने बोला नहीं था एग्जिट कहाँ है, अभी करोड़ रुपया दो, है ना, वहां के कानून है कि बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही है ना, एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी आप सबको, मैं 40 साल से मेडिटेशन करता हूँ, तो मुझे भगवान का वरदान है कि मेरा लेक्चर कोई अच्छे से नहीं सुने, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे, अच्छे से ताली नहीं बजाए, तो अगले जन्म में उसको घर घर जाके कंपलसरी ताली बजानी पड़ती है। हाँ, फिर बोलना नहीं कि हमको मालूम नहीं था। अच्छा, ओके, चलो। हाँ, कईयों को हंसाना बहुत कठिन होता है, कितनी भी हंसने की बात करो। अच्छा, देखिए मूल बात मैं आपको ये सिद्ध करना बताना समझाना चाहता हूं अच्छे से। ये जो सारा विषय है कि दोनों को देखो, हैप्पीनेस और हेल्थ को जोड़ा भी गया और सचमुच उसका कनेक्शन है। अगर विज्ञान के आधार से सुने, स्कूल में भी हमने है ना न्यूटन्स के लॉस पढ़े हैं कि झाड़ से सेब गिरेगा, एप्पल गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो भी न्यूटन के जो नियम हैं कहते हैं कि वह जो चीजें एटॉमिक है ना उसके लिए वह सही है। न्यूटन के बाद जब और डेवलपमेंट हुआ, सब एटॉमिक फिजिक्स डेवलप हुआ, तो आज कहते हैं न्यूटन के लॉ सही नहीं है। बल सही भी है कि जो चीजें एटॉमिक है उसके लिए वह सही है, परंतु जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की तो और गहराई से देखने लगे कि एक अणु है तो वो अणु में भी फिर इलेक्ट्रॉन्स है कि जो घूमते रहते, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो गए कि फोटॉन्स है, न्यूट्रिनोज मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसको न्यूटन के लॉ काम नहीं करते कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप डिस्प्लेस कर दो तो वह भी नीचे गिरता है, परंतु वह एप्पल की तरह नीचे नहीं गिरता है। वो कैसे गिरता है, उसमें एनर्जी लूज होती है, गेन होती है, लूज होती है, गेन होती है, लूज होती है, गेन होती है। जैसे सीढ़ियों में कोई नीचे गिरे ना, वैसे वह गिरता है। और इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यह देखा, दूसरी एक नई बात, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, शायद आप समझेंगे भी नहीं। सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि आज सारे विश्व में जैसे भी हमारी पृथ्वी है, ऐसे और भी बहुत सारे ग्रह है ना, और हर सप्ताह नए नए ग्रह मिलते जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक ऐप है, वो ऐप को आप डाउनलोड करो ना तो नया ग्रह मिलेगा ना, तो क्लिक होता है कि भी नया ग्रह मिल गया। तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें जो एटॉमिक है, जैसे कि भी ये शरीर एटॉमिक है, ये कैंडल एटॉमिक है, ये सोफा एटॉमिक है, ये सब सिर्फ 5% है, 95% ओपन स्पेस है। और वो जो 5% एटॉमिक है उसमें भी 99.999% एम्प्टी स्पेस है। समझ रहे, गर्दन नहीं हिलाते। वो कुछ भी नहीं है, खाली है ना। ये विज्ञान की भाषा है कि एटम के बीच में वह खाली स्पेस है,
और आज विज्ञान ये कहता है कि हम जैसे दिखते हैं ऐसे नहीं है। कोई व्यक्ति को जो अनपढ़ है उसको पूछो कि पृथ्वी कैसी है तो क्या कहेगा? कोई कभी स्कूल में गया ही नहीं, उसको पूछो कि पृथ्वी कैसी है तो क्या कहेगा? सीधी है ना? परंतु आज हम जानते कि पृथ्वी सीधी नहीं है, है ना। एक अनपढ़ व्यक्ति को टेरेस में बिठा दो और कहो सारा दिन देखता रहे कि सूरज कैसे घूमता है, तो वह क्या निर्णय पर आएगा? कि सूरज पृथ्वी के आसपास घूमता है। परंतु क्या सत्य है? सत्य है, हाँ या ना? नहीं है ना। पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीजें जो आंखों से दिखाई देती है ना ऐसी नहीं है। बस सार के रूप में इतना के, बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, तो पता है कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? तो इसका विज्ञान है कि फोटॉन्स आपकी आंखों में जा रहे हैं और वो फोटॉन्स फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट कर रहे हैं, वो ब्रेन में जा रहे हैं और ब्रेन में भी कुछ होता है कि जिससे आप कलर को देख रहे हैं, है ना। थ्री डायमेंशन आप देख सकते हैं। तो कहने की बात कि सचमुच चीजें जैसी दिखाई देती है ऐसी नहीं है। और साथ साथ बस इतना एसेंस कि यहां मैं लिंक जोड़ना चाहता हूं, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, कि हमारा अस्तित्व जो है वह सिर्फ एक बॉल ऑफ एनर्जी है, है ना। कहीं सिर्फ एनर्जी हो कि अंदर में वो बॉल ऑफ एनर्जी है, और अगर वो एनर्जी हार्मोनियस है, वो जो एनर्जी है वह हार्मोनियस है, तो आप हेल्दी जीवन जी रहे हैं, तो आप शांति से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसमें अगर डिसहार्मनी आ गई, थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप बीमार हो जाते हैं। और सारा ये 5 दिन में मैं क्या करना चाहता हूं, 5 सेशन, चलो 2-3 दिन ही है, 5 सेशन में मैं आपको यह विज्ञान समझाना चाहता हूं कि यह जो उसमें तालमेल है वह हार्मनी कैसे क्रिएट होगी। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ या ना? अच्छा, थोड़े लोग बोलते हैं, मतलब थोड़े लोग तो सर। आज जोर से जवाब देने का क्यों पूछूंगा मालूम है? क्योंकि है ना, मन कहीं चला जाता है, गाजियाबाद में घूमने चला जाएगा तो वापस कैसे लाए? आप लोग आवाज करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा, अरे हाँ अभी तो लेक्चर चल रहा है। हाँ, तो वापस लोग यहीं पर आ जाएंगे। देखिए, जो घटनाएं जीवन में होती है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी भी कहेंगे क्या बात है, सुख मतलब सुख है ना, ये क्यों, इस सेमिनार क्यों किया, हमको यहां क्यों बुलाया। परंतु आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारा मस्तिष्क 1000 केमिकल्स क्रिएट करता है। अभी भी जब से मैंने बोलना शुरू किया ना, भी आप में वह केमिकल शुरू हो गए। बहुतों में पॉजिटिव केमिकल्स क्रिएट होंगे, कईयों में नेगेटिव भी होगी कि क्या बकवास है भी, हम तो कुछ अच्छा अच्छा सुनने आए थे, नहीं तो सिर्फ हंसना बोलते। हाँ, तो उसमें नेगेटिव केमिकल्स भी हो सकते हैं, और उसका आधार क्या घटित होता है उस पर नहीं है। ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसमें क्या घटित होता है उस पर आधारित नहीं है। देखो, आप भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि भी मैरिज से पहले जब आपके एंगेजमेंट हुए, या हस्बैंड एंड वाइफ है, कोई एक दूसरे को कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वह कहते ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल है,
वो रिलीज होगा, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, सीरोटोनिन रिलीज होंगे। अब 10 साल के बाद है ना कि भाई कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है और वही व्यक्ति उसी व्यक्ति को कहे आई लव यू, तो क्या होगा? वो सारे नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होंगे, कहते एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कोर्टिसोल, ये सब नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होंगे। तो बाह्य बात वही है, वह जो स्टेटमेंट है एक ही है, परंतु वह उसके पीछे का बैकग्राउंड डिफरेंट है। हाँ समझ रहे? हाँ या ना? अच्छा चलो ठीक है, हाँ थोड़े तो एक्टिव हो गए। तो ऐसे इसको हमें चेंज करना है, जो मैं आपको बता, आज मैं आपको थोड़ा एसेंस बताता हूं कि भी और भी चार सेशन में क्या होगा, कि अब परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते। उल्टा वास्तव में देखो तो और समय बीतेगा तो समस्याएं और भी आएगी। अभी केरला का आपने सुना हो तो बेचारे अच्छे भले थे, है ना, 2 दिन में सब खत्म हो गया। प्रैक्टिकली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कहते हमको तो था कुछ नहीं होगा, लेकिन सेकंड फ्लोर तक भी पानी आ गया। फिर तो समस्याएं बढ़ने वाली ही है, उसके मध्य हम कैसे हैप्पीनेस को मेंटेन करें, समस्या के बीच में हम पीस ऑफ माइंड कैसे रखें। और अभी ये करना है तो कहेंगे कि उसका जो मूल एसेंस क्या बात है। देखो कोई भी 3 लोग यहाँ आएंगे, आइए आइए यहाँ आ जाइए, आओ आओ जल्दी जाओ, आओ फटाफट आओ, आइए आइए, क्यों डर रहे हैं? आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे। देखिए कुछ सीखने, हाँ स्टेज पे आ जाओ, हाँ चलेगा, शूज पहन के आ जाओ, हाँ इधर नहीं ठहरो ठहरो, हाँ आप यहाँ आइए। देखो ना मेरे लेक्चर से, रुकिए 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 इधर रुकिए रुकिए भाई जी, यहाँ आए, बस मैं बोलू ऐसे 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 ऐसे, हाँ बस इधर आ जाए। हाँ मेरे लेक्चर से आपको सीखने को नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली कुछ करेंगे ना तो सीखने को मिलेगा। क्या नाम है? दिनेश। हाँ हाँ दिनेश भाई को वर्णन करो, क्या क्या दिखता है, क्या दिखता है, क्या दिखता है बोलो, चश्मा दिखता है, नाक दिखता है, अच्छा आपको क्या दिखता है, आए रुको वहीं रुको भैया इधर क्यों, आपको क्या क्या दिखता है, सर दिखता है, हाँ बैक दिखती है, हाँ देखो दोनों को अलग अलग दिख रहा है, क्यों दोनों को अलग अलग क्यों दिख रहा है, व्यक्ति एक ही है, क्यों, क्योंकि दिशा अलग है, बरोबर ना, दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, कोई शायद साउथ में है कोई नॉर्थ में है, तो इसलिए एक ही व्यक्ति को डिफरेंट चीज दिखती है। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति वस्तु उसमें आपको क्या दिखता है उसका आधार है कौन सी दिशा से आप देख रहे हैं, समझ गए? अच्छा बैठ सकते, थैंक यू। तो अब अगर सुख चाहिए आपको तो बस और कुछ नहीं करना है, परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ दिशा को बदल सकते हैं, और दिशा को बदलना मुश्किल नहीं है। जिसको कहा एटीट्यूड, वो एटीट्यूड अलग होते हैं, कहते हैं ना एटीट्यूड दिखाता है, वो अलग चीज है, ये एटीट्यूड यहां पर है नजरिया कि कौन से एंगल से आप चीज को देख रहे हो। बस मैंने जो एसेंस इतने सारे सालों में समझा है कि आध्यात्मिकता आपको दृष्टिकोण को बदल देना सिखाती है, बस थोड़ा सा कोशिश करना, अभी से मेरे साथ करते जाओ। हाँ एक शिक्षक थे,
स्कूल के बच्चों को ये समझाना चाहते थे कि शराब कितनी खराब होती है, जो जैसे मैंने किया ना, उन्होंने भी सोचा कि प्रैक्टिकल में करके दिखाना है, लेक्चर देने से फायदा नहीं होगा। तो एक ग्लास में शराब लेके आए, फिर पेट में कीड़े पड़ते हैं ना, ऐसे कीड़े भी लेके आए। उन्होंने एक कीड़ा शराब में रखा तो मर गया, फिर एक पानी का ग्लास भी लेके आए, उसमें भी एक कीड़े को रखा तो तैरने लगा। फिर छोटे बच्चों को पूछा कि यह प्रयोग से क्या सीखने को मिला, तो एक लड़का अपने कुर्सी से कूद पड़ा, उसने कहा सर सर आपने जो प्रयोग किया उससे मेरे को यह सीखने को मिला कि पानी पिएंगे तो पेट के कीड़े नहीं मरेंगे। ताली बजाने की बात है, ताली बजाने की बात है। ओके, कोई बात नहीं, हंसना तो है ना, शराब पियेंगे तो कीड़े मर जाएंगे, हाँ, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड होगी। अभी हमको चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, और वो बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक ने फाउंडेशन पे थोड़ा सा काम करना है ना, तो आप सचमुच एटीट्यूड को बदल सकते। अभी का प्रैक्टिकल उदाहरण है आपको सुनाता हूं, ये हैप्पीनेस चाहिए ना। अभी अभी एक फीमेल साइकेट्रिस्ट मेरे क्लिनिक में ज्वाइंट हुए हैं, तो एक दूसरे साइकेट्रिस्ट जिनको मैं जानता हूं, हाँ, उनका गुजरात में पाटन में हॉस्पिटल है, वो मुझे मिलने के लिए आए, तो भी क्लिनिक में आए, मिलने के लिए आए, भी सभी से पहचान कराई, फिर मुझे कहा कि भी ये लोग भी यहाँ पर अभी आने वाले हैं, ये साइकेट्रिस्ट है, तो मैंने कहा मेरे पास भी भेजना, कुछ सीख लेगी वो। उसने कहा एक साल यहाँ पर है, वो कुछ सीख लेगी, और मुझे भी वहाँ जाना था और कोई काम से, तो मैं कहा मैं भी आपके पास आ जाऊँगा। तो वहाँ पर गया, उनको मिला, हॉस्पिटल देखी आदि, फिर कुछ समय के अभी वो बहन है, वो 3 दिन पहले मुझे ज्वाइंट हुई। अब तक इवन दूसरे दिन तक मैं यही समझ रहा था कि ये जो डॉक्टर है इनकी बेटी है। 2 दिन के बाद मैंने पूछा तो बोला नहीं नहीं मैं बेटी नहीं हूं, मैं तो इनकी बहू हूं। मुझे आश्चर्य हुआ कि देखो कैसे रखते टोटल। मैं उनके घर भी जाके मुझे यही लग रहा था कि इनकी बेटी है। तो दिस इज ये जो इजी है कई बार मुश्किल लगता है। और वो डॉक्टर को भी मैंने पूछा कि कैसे आया, तो बोलते स्पिरिचुअलिटी से आया, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऑटोमेटिक आ गया। बेटी और बहू में कोई फर्क है ही नहीं, बोलना उठना बैठना व्यवहार सब एक जैसा ही है। तो बस यहां पर वो दृष्टिकोण को बदलना है, वो प्रैक्टिस, इवन बिलीफ सिस्टम। ये जो मैंने बताया ना आपको कि वी आर बॉल ऑफ एनर्जी, तो वो बिलीफ सिस्टम। आज विज्ञान भी ये मानने लगा है कि ब्रेन ही सब कुछ नहीं है। इवन सिंपल आंसर कि यहां कट होता है ना तो फिर से ठीक हो जाता है, क्यों हो रहा है मालूम नहीं, थोड़ा थोड़ा ही हम जानते, ज्यादा नहीं जानते। तो इसलिए आज विज्ञान भी मानने लगा कि भी ब्रेन के द्वारा हम सब कुछ समझा नहीं सकते। इसलिए अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी ये कहने लगे कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग विथ ऑकेशनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विथ ऑकेशनल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हाँ, समझ रहे ना, बस उसका एसेंस ये कहेंगे कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, शक्ति हूं। क्या बोलो, नहीं इतने सब तो नहीं, जोर से बोलो, नहीं नहीं अभी यहां से तो आवाज ही नहीं आता है, जोर से बोलो, हाँ और एक बार, बस ये पक्का करो।
आप अगर हैप्पीनेस और हेल्थ चाहते हैं तो ये बात को समझ लो, है ना। मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा कि इंडीड वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, और जब ये भाव आता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीजें आगे आने लगती है। तो सबको खुशी चाहिए, हाँ खुशी चाहिए, चाहिए ना। हाँ देखो ध्यान से सुनना, ये दो वाक्य में थोड़ा सा ही फर्क है। खुशी के लिए काम कर रहे हैं या खुशी से काम कर रहे हैं, समझे क्या? हाँ समझ गए डिफरेंस। भाई खुशी के लिए काम कर रहे हैं तो कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो खुशी से करो। झाड़ू मारने का भी काम करते ना, खुशी से करो तो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आ जाएगी। हैप्पीनेस कुछ प्राप्त करने के बाद नहीं है। कहेंगे कि भी एक जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा के अंत में खुशी, ऐसा नहीं समझो, यात्रा ही खुशी है। जो कुछ भी कर रहे हो ना बस खुशी खुशी करो। हम लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट करीब 40 सालों से इस पर काम कर रहा हूं। तो सोचा कि भी लोगों में चेंज आना चाहिए। भी अपने लेक्चर सुना, अच्छा अच्छा किया, वो तो ठीक है, लेकिन एक साल के बाद क्या? अगर एक साल के बाद आपका संपर्क किया जाए और फिर ये मालूम पड़े कि हाँ सचमुच जो किया था अभी भी उनमें वह परिवर्तन है, वह सिर्फ लेक्चर सुनने से नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें करनी होगी, भले एकदम छोटा सा एक सिंपल। मैं आपको एकदम सबसे छोटी बात बताता हूं, सब करेंगे, बस छोटा सा काम, बड़ा काम नहीं करना। नहीं, बड़ा काम मुश्किल लगता है ना, छोटा सा काम करना। देखो सवेरे आप उठते हैं ना, कि भी बेड में सोए उठेंगे ना, तो उठो ना तो ऐसा बोला आज का दिन बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली क्या होता है, हमारी सवेरे आंख खुलते हम बोलते अरे आज का दिन वापस टेंशन, वापस काम पे जाना पड़ेगा, बॉस मिलेगा, है ना, पत्नी का मुंह देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि एक आया ना तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा। हाँ बस ये देखो इतना सिंपल सा थोड़े दिन करना, समझ गए। अभी तो आप बैठे हैं तो हाँ देखो बैठ के करना है, अभी देखो मैं बोलूंगा तभी करना है, हाँ पैर ऐसे करना है आपको, फिर आयास उठना है, हाँ क्या बोलना है, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, ओके रेडी, ओके ऐसा करो पैर ऊपर करो, यस आज का दिन बहुत अच्छा, अच्छे से नहीं बोला, बैठ जाओ फिर से बोलो। हाँ चलो स्टार्ट, वेरी गुड थैंक यू, चलो मैं अब करके देखना। 6 सप्ताह करो, जिसको ना हम लोग कहते हैं टाइनी हैबिट्स। मैं आपको बहुत सारी बताऊंगा आगे आगे, छोटी छोटी चीजें, बहुत मुश्किल नहीं है, और उसमें आप करो ना, आप देखना एटलीस्ट चलो 6-8 सप्ताह नहीं 8 दिन भी करो, 8 दिन भी आप करेंगे ना फिर अच्छा होगा तो आपको लगेगा ये तो काम कर रही है, फिर शायद आप और भी करेंगे कि और मेरे को अच्छा होना है। अच्छा तो ऐसे हैप्पीनेस वो बस एक ही विचार की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं है। एक विचार सिर्फ हमको करना है। और दूसरा जो हैप्पीनेस का एसेंस है, आज हमको है ना बड़ी बड़ी खुशियां चाहिए। जैसे लोग है कि भाई फॉरेन घूमना घूमने जाएंगे तो खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं। एक लेखिका थी,
ना, वो आर्टिकल भी लिखती थी, उसने खुद ही लिखा है अपना एक्सपीरियंस। उसने कहा कि एक बार मैं घर से निकली तो बारिश के आसार ही नहीं थे, परंतु जब ऑफिस से आने लगी जोरदार बारिश हो गई, मैं पूरी भीग गई। तो मैं तो भगवान को भी कोसने लगी कि भी थोड़ा तो इंडिकेशन देना था, तो मैं छाता लेके भी तो गई होती है ना, कोई इंडिकेशन नहीं, जोर से बारिश। हाँ, बहुत दुखी हो रही थी, अरे क्या बारिश भीग गई, मैं शायद बीमार हो जाऊंगी, क्या होगा। वो घर के पास पहुंची, उसने देखा, बम्बे में आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ियां भी होती, पास में फ्लैट्स है, तो वहां देखा कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चे उसी पानी में इंजॉय कर रहे थे, तो उसको कुछ ट्यूबलाइट हो गई। उसने लिखा कि देखो ये बच्चे इंजॉय करते, मैं तो दुखी हो रही हूं, भी मैं भी इंजॉय कर सकती हूं। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को भी इंजॉय करने लगो, थोड़ा सा भी, कि भाई सवेरे आप ऑफिस से घर के बाहर निकले, एक आपको पौधा भी मिल जाए, वाह कितना अच्छा है। बच्चे होते हैं ना ऐसे, ऐसा नहीं सोचो कि हम तो बड़े हो गए, यार सारा प्रॉब्लम यही है, नहीं तो ये सेमिनार की जरूरत ही नहीं है। देखो बच्चों को, बच्चे हमेशा खुश होते, उनको रुलाना पड़ता है, नेचुरली छोड़ दो तो बच्चे हमेशा खुश है, कुछ उल्टा करो तब वो रोता है। तो बड़े हो जाते रह तो बड़ा हमेशा रोता है, उसको खुश करने के लिए कुछ करना पड़ता है, परंतु ये नहीं, बच्चे जैसे बनो। तो सुना है ना कि भी शरीर 5 तत्वों का बना है, बरोबर, तो हम आज ना 5 तत्वों से दूर हो गए, ये सीमेंट कंक्रीट में जी रहे, अर्थ एलिमेंट तो है ही नहीं। तो कम से कम सवेरे नहीं तो शाम को एक बार निकलो कहीं भी, गार्डन में कहीं, जूते निकाल दो और पैर है वो मिट्टी में लगने चाहिए, हाँ बीमार नहीं होंगे, डरो नहीं। तो अर्थ के साथ हमारा कनेक्शन होगा। वॉकिंग के लिए भी जाओ ना तो ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसा नहीं कितना किलोमीटर चला देख रहा हूं, कितना किलोमीटर चलते हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना इंजॉय करते हुए इंपॉर्टेंट है ना, चलते चलते वाह आज का दिन कितना अच्छा है। पौधे के पास जाओ, पौधों को हाथ में लो, वाह कितना अच्छा है, हाँ उसकी खुशबू भी लो। आपने कभी सोचा नहीं, छोटी छोटी बातें अब करके देखना, यू विल रियली enjoy your life। ये मानते हैं कि सबसे बड़ा है attitude of gratitude। आज जो हम बीमार भी हो रहे हैं उसका कारण यह है कि हमारे में वह gratitude की भाव, हम कंप्लेन बहुत करते हैं कि पति अच्छा नहीं, बॉस अच्छा नहीं, सास अच्छी नहीं, भगवान भी अच्छा नहीं, परंतु अच्छा क्या क्या हुआ नहीं सोचते। ये जो सिंपल हैबिट बताई ना, उठते ही करने वाले ना, अभी देखो सोते ही क्या करने का, जैसे लेटने लगो ना तो और कुछ याद नहीं करो, ये याद करो कि आज अच्छा क्या क्या हुआ, छोटा सा भी, कि मुझे ट्रेन से मेट्रो मिल गई, आई एम वेरी हैप्पी ना, किसी ने मेरे को यहाँ ये हेल्प, छोटी छोटी बातें याद करोगी, यस ग्रेटिट्यूड को याद करो। देखो सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, हाँ अच्छे से करना है, देखो हाथ को ऐसे करो, देखो राइट से शुरू करना, आपका राइट मेरे से उल्टा है, देखो सबसे पहले तो है ना माँ का धन्यवाद करना है, क्योंकि भी हमें किसी को माँ अच्छी ना भी लगती हो, परंतु हमें इस दुनिया में लाने के लिए माँ का सबसे बड़ा योगदान है, माँ ने बहुत दुख सहन किया है, तो देखो बोलो माँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलो। हाँ, पिताजी का भी धन्यवाद करो। पिताजी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया। बोलो बोलो। हाँ, फिर टीचर्स का धन्यवाद कि भाई टीचर्स ने मुझे पढ़ाया तो आज मैं इस लायक बना। ऐसे अनजाने लोगों को भी याद करो कि जिसको आप जानते भी नहीं थे फिर भी उन्होंने आपको मदद की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पेड़ पौधों का धन्यवाद करो, क्योंकि पेड़ पौधे न हो ना तो हम 7 दिन भी नहीं जी सकते। करो करो पेड़ पौधों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओम शांति। बैठे किया। हाँ, किसने किसने किया ठीक से? चलो मैं ताली बजाता हूँ। तो सुख और स्वास्थ्य चाहिए तो यह एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। नहीं, लोगों ने बुरा भी किया उसको याद नहीं करो। आज सारी समस्या क्या है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जिसके साथ सब अच्छा होता है, कुछ तो बुरा सबके साथ होता है। परंतु आप कौन सी चीज को पकड़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी बात को आप याद करते हैं वह इंपॉर्टेंट है। तो बस वो पॉजिटिव को ही हमेशा याद करो कि भी क्या अच्छा अच्छा मेरे साथ हुआ, कैसे अच्छे लोग मुझे मिले, थोड़े 2-4 बुरे भी मिले कोई बात नहीं। और ये जो हैप्पीनेस और हेल्थ के साथ कनेक्शन है कि हैप्पीनेस जैसे मैंने कहा वो केमिकल्स को रिलीज करती है। ये ना सारे प्रोसेसेस है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा। हैंसेल की, जिनको फाउंडिंग फादर माना गया है कि जिन्होंने तनाव के बारे में रिसर्च की है, कोई भी बड़े डॉक्टर को पूछो टेंशन के बारे में जो काम करते हैं तो तुरंत करेंगे हैंसेल, इन्होंने ये किया। तो ये बहुत बड़े डॉक्टर होकर गए, उन्होंने भी ये कहा है कि माफ नहीं कर सकने की अवस्था में आपको कैंसर भी हो सकता है। बल वो भी है कि भी सिगरेट पी रहे तो कैंसर होगा, वो गलत नहीं है, परंतु अगर आप अपने अंदर कुछ चीज को ऐसे ग्रंथि को रख रहे हैं, कई लोग कहते हैं सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, ये बंदे को माफ नहीं करूंगा। तो सारा जीवन आप दुखी होंगे, अलग अलग बीमारियां हो सकती है। और उसका आधार क्या है कि भी कौन सी ग्रंथि आपकी कमजोर है। जैसे हो सकता है भी किसी का हार्ट कमजोर है तो उसको हार्ट अटैक आएगा, किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है तो उसको एसिडिटी हो जाएगी। तो इसलिए इमोशंस को अच्छा रखना ही है। मूल रूप से 2 प्रॉब्लम है, 2 बातें हैं उस पर जरूर जरूर विजय प्राप्त करनी है। एक तो आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया और आपको अभी भी उसका दर्द है। जैसे सवेरे आपने बेटे पे गुस्सा किया और बेटा नाराज है ना, तो वह बोझ को लेकर के आप घूम रहे हैं। और दूसरा है कि किसी ने हमको दुख दिया, किसी ने हमारा विश्वासघात किया, तो उस समस्या को भी लेकर के हम घूम रहे हैं। और ये दोनों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसकी बहुत अच्छी युक्ति है, आप सबको जाननी है। एक बार खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई जी यहाँ आइए, आइए आइए फटाफट आ जाइए, आओ 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 आओ। हाँ देखो, एक एक पार्टनर बनाओ, भाई भाइयों को बनाएंगे, बहने बहनों को बनाएगी। अब हस्बैंड एंड वाइफ है तो पार्टनर, घर में भी पार्टनर यहाँ भी पार्टनर। हाँ बनाओ बनाओ, देखो पार्टनर का चेहरा देखो, ऐसे देखो देखो, हाँ हाँ, ये देखो कि वह वही व्यक्ति है जिसको आपने दुख दिया है।
आपने उससे बुरा व्यवहार किया है और वो व्यक्ति आपसे नाराज है। अगर अभी इस बोझ को खत्म करना है तो सबसे अच्छी बात है कि उसकी माफी मांगो। मैं करके दिखाऊंगा, आप सब फॉलो करेंगे मुझे, प्रॉमिस। बोझ को क्या देखो, चेहरा देखो, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती, करो करो, गले मिलो, तब तक छोड़ूंगा नहीं। अभी भी नहीं कर रहे, करो करो करो, किया अच्छा, ओके बैठ सकते, थैंक यू। मुन्ना भाई MBBS, हाँ जी जी बैठ सकते हैं। अच्छा हाँ, तो देखो अभी तो झूठ मूठ का किया, सचमुच नहीं किया। अभी जैसे ये सेशन पूरा होगा ना, सचमुच करने का है। क्या करना है देखो, दूर नहीं, आसपास में ही है, घर में है, यहां वहां है। क्या करो, अपना मोबाइल निकालो और तुरंत फोन करना। ऐसे नहीं बोलना माफ कर दो, सचमुच कारण बताना कि भी मैंने ऐसे तुम्हारे से झगड़ा किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो आपको वंडरफुल रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो वह व्यक्ति हंसने लगेगा या वो रोने लगेगा। हो सकता है वो कहे मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ था, तो खत्म हो गया बोझ। 5% चांस है कि आपने ये जो अच्छा भाव प्रकट किया उसका वो बुरा उपयोग करे, तो क्या है वापस ले लो, हमने 1,00,000 रुपया थोड़ी दिया। पैसा दिया है तो अलग बात है, ये तो अपना पैसा दिया, हाँ हमारा भाव था अच्छा, हाँ उनको बोलो बीबी मेरा तो अच्छा भाव था, तुमको नहीं चाहिए तो तुम अपने घर पे, मैं अपने घर पे, समझ गए। 99% अच्छा मिलेगा, सब करेंगे, कौन कौन करेगा, वेरी गुड, चलो कल मेरे को बताना कि क्या हुआ। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें सुखी होने की स्पिरिचुअल रेमेडीज बोला ना, प्रैक्टिकली करना। अभी दूसरा और मुश्किल है जो है कि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपको दुख दिया, तो क्या करे, तो उसका अच्छा तरीका है उसको माफ कर दो। लोग ये कहते हैं कि भी भूल जाओ और माफ करो, परंतु ये संभव नहीं है। भूलना है तो पहले माफ करो, फिर आप भूलेंगे। और जो माफ करना इसलिए नहीं कि उसने कुछ अच्छा किया, उसने बहुत बुरा किया आपके जीवन में, उसने बहुत दुख दे दिया, परंतु वह जो घटना है उससे आपको मुक्त होना है, वो जो बुरा प्रभाव है उससे आपको छुटकारा पाना है, तो सबसे अच्छा उपाय है उसको माफ कर दो। माफ करने में आप उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे, अपने आप पर उपकार कर रहे। कुछ प्रैक्टिकल एक्शन ले सकते तो ले सकते, यहां ही हुआ था ना जेसिका लाल मर्डर केस, सारा भारत जाग गया, तो दैट वाज एन सॉर्ट ऑफ एक्शन विच इज गुड, लेकिन उसको बार बार याद करना बुरा है। परिस्थिति समस्या पैदा नहीं करती है, जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना तब समस्या होती है। और वो विष चक्र को काटना है और बिना कोई शर्त के माफ कर, भले आप भगवान को न भी मानते हो, कर्म की थियरी को न मानते हो, इतना तो मानो कि वो कॉस्मिक एनर्जी को मालूम है क्या करना है। जैसे फिजिक्स के लॉज है ना, ऐसे ही कहेंगे ये भी एक आध्यात्मिकता के लॉ है, मनोविज्ञान के लॉ है, वो जो गया वो आने ही वाला है, तो इसलिए हमको सोचना नहीं, बोलता हमें तो अनकंडीशनली उनको माफ कर देना। मेरे एक मित्र थे, हाँ ये सत्य घटना है, देखो आप जाने कि ये सब चीजों का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, बस एक करके मैं पूरा करता हूं। बिजनेस में उनका एक पार्टनर करीब आज से कई साल पहले की बात है, 3 करोड़ रुपए लेके भाग गया, तब वो पैसा बहुत होता था, तो
तो बहुत टेंशन में थे, बहुत बदला लेने का सोच, क्या करूं कैसे करूं। तो उन दिनों इन्होंने देखा कि उनको हार्ट्स में ब्लॉक हो गए, डॉक्टर ने कहा कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, उनको बाईपास सर्जरी नहीं करनी थी। तो कई जगह पर जाने लगे अल्टरनेटिव मेडिसिन का, मैग्नेटोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, बहुत कुछ। एक बार उन्होंने ऐसा ही एक सेमिनार अटेंड किया, जिस सेमिनार में यह बात बताई गई, अच्छे से बताया कि देखो माफ करना बहुत जरूरी है, माफ नहीं करने की अवस्था में क्या क्या बीमारियां हो सकती है। उन्होंने बोला हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो उसकी आंखें खुल गई कि कहीं इसीलिए मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। और फिर थोड़े दिन बहुत काम किया, सच मानिए उनकी धमनियां सारी खुल गई। उन्होंने फिर से एंजियोग्राफी करके भी देखा, और आज उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, उनका बेटा बिजनेस संभालता है और बस ऐसे वो लेक्चर देते, बड़ा इमोशनली कहते कि देखो मैंने अनुभव किया, आप लोग भी करो। तो माफ जरूर करना। अच्छा, आंखें बंद करो, सचमुच याद करो उन लोगों को जिन्होंने आपको जीवन में दुख दिया है। अच्छे से याद करो जिन्होंने आपको जीवन में दुख दिया है। और उनको पूरी तरह से माफ कर दो बिना कोई शर्त के। इसलिए माफ करो क्योंकि आप उसका जो बुरा प्रभाव है उससे मुक्त हो करके सुखी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। पूरी तरह से आप उन्हें माफ कर रहे हैं। अच्छा, आंखें खोलो। हाँ, माफ किया, पहले बोलते आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं, क्या आवाज नहीं है अभी, अभी भी नहीं, कहाँ प्रॉब्लम है भैया, आवाज नहीं जा रहा है पीछे, अभी आ रहा है, अच्छा अभी आया, ठीक है, ओके चलो। हाँ तो क्या बात थी, यहाँ तो आ रहा था ना, और सुनाई दिया किसको, किसको सुनाई दिया, चलो पहले तो कहीं को सब कुछ पीछे था, थोड़ी दिक्कत है, देखिए। हाँ तो माफ किया, जरूर, ओके। देखो एक दिन में काम नहीं होने वाला है, 8 सप्ताह तक माफ करना है। आप कोई भी मनोचिकित्सक को पूछो कि डॉक्टर आप दवा दे रहे हैं कितने दिन में पूरी असर दिखाएगी, तो है ना, उसका स्टैंडर्ड आंसर है 8 सप्ताह, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं 8 सप्ताह सचमुच अच्छे से करो, है ना, आप खुद पाएंगे कि क्या चेंज आ जाता है। अच्छा, और एक छोटी सी बात बताता हूं कि जिसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। एक आश्रम था, जो आश्रम के मुखिया थे, वह एक दिन वह आश्रम छोड़ के बाहर जा रहे थे 1 महीने के लिए। तो उन्होंने उनका जो 2 नंबर का शिष्य था, है ना, उसको कहा कि देख बेटा तुझे अभी 1 महीना इस आश्रम को संभालना है। तो उस शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, आप जा रहे हैं, मेरे पे विश्वास रख करके जा रहे हैं, अभी 1 महीने तक मैं आश्रम को संभालूंगा, परंतु मुझे क्या ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा सजग रह करके सब काम करना। उसने कहा बहुत अच्छा, भी आपने मुझे अच्छा सिखाया कि जो कुछ भी मैं करूंगा वह सजग होकर के करूंगा, जागृत होकर के सब कुछ करूंगा। फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखने की, तो उन्होंने बोला कि सजग होकर के सब काम करना, जो कुछ भी करेगा सब सजग होकर के करना। उसने बोला हाँ गुरुजी, ये तो मैं समझ गया, पहले भी आपने बोला कि मैं सब कुछ सजग होकर के करूंगा, परंतु और भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं समस्या ना आ जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम को कैसे मैनेज करने का। तो गुरुजी ने कहा सजग होकर के करना। समझ गए,
फिर उसने समझाया, देख बेटी और कुछ भी नहीं, तू सब सजग हो करके करना तो कोई भी समस्या आएगी समझ में आ जाएगी, तू सजग हो करके करेगा तो टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो बस यही बात मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि सारे शिविर का पूरा लाभ लेना है तो जिसको इंग्लिश में कहेंगे अवेयरनेस, है ना, सजगता क्या है, सचमुच सजगता क्या है कि विचार आने से पहले भी कुछ होता है, विचार बाद में आता है, जैसे भी वॉमिटिंग हो उससे पहले नौशिया होता है ना, तो ऐसे ही विचार आए, कोई फीलिंग आए, उससे पहले कुछ होता है, उसको समझना वह है सजगता, वह ना वो आंतरिक है। हाँ देखो, ये प्रैक्टिस करो, सभी करो, ऐसे ऐसे करो, मेरे हाथ में माइक है, हाँ हाथ के बीच में कुछ हो रहा है, हाथ एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे हैं, है ना, हाथ गर्म हो रहे हैं, कई बार हमने हाथ किए पर पता नहीं था, अभी आज ध्यान दिया तो मालूम पड़ा, भी आप बैठे भी है सजग होकर के बैठो कि कमर में क्या हो रहा है, पैरों में क्या हो रहा है। देखो और एक आपको सिंपल सी प्रैक्टिस बता रहा हूं कि सजगता क्या है। हाँ सबको अच्छा लग रहा है, हाँ कि बोर हो रहे, अच्छा ओके, हाँ देखो प्रैक्टिस है, कमर को सीधी रख के बैठो, आपको क्या करना है, हाँ हाथों को या, और फिर मैं आपको बताऊंगा तब करना, तब मैं आपको बताऊंगा, आपको सांस को देखना है कि सांस ले रहा हूं सांस बाहर आ रहा है, वो फील करना है कि कितना गहरा है, ठंडा है या गर्म है, राइट से चल रहा है या लेफ्ट से चल रहा है, जो कुछ भी, कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, ये प्राणायाम नहीं है, जैसा भी है आपको उसको समझना है, सजग होना है। और फिर मैं आपको कहूं तन तो ऐसा करूंगा, समझ गए, पहले हाथ ऐसे, मैं बोलूं परिवर्तन तो ऐसे करने, और फिर इसी को फिर से देखना है कि कुछ फर्क है, कि पहले गहरा था अभी कम हो गया, पहले राइट था अभी लेफ्ट हो गया, पहले ठंडा था अभी गर्म हो, जो कुछ भी, ठीक है ओके। हाँ कमर को सीधी रख के बैठो, जी जी हाँ, आंखें बंद करो, हाथ को ऐसे रखो, जस्ट फील करो कि क्या हो रहा है, हाँ देखो सांस कितना गहरा है, कैसा है, पूरा फील करो, नाक में जाता है तो क्या फीलिंग होती है, छाती में जाता है तो क्या फील हो रहा है, परिवर्तन अभी फील करो, क्या हो रहा है, कितना गहरा है, उसके बीच का जो भेद है उसको समझने की कोशिश करो, फर्स्ट टाइम और ए सेकेंड टाइम दोनों में कुछ फर्क है उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा हाँ आंखें खोलो, हाँ कुछ मिला, परी चेंज मिला, कुछ किसको मिला, हाथ उठाओ, अच्छा चलो दो चार लोगों को तो मिला, आप ट्राई करनी, थोड़ा गहरा है और आप अच्छे से प्रैक्टिस, और उसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं, ये नहीं सोचना कि वो अच्छा था ये बुरा था, कि ऐसा करने से गहरा होगा इससे हेल्दी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये परिवर्तन भी आपके सांस में परिवर्तन ला रहा है तो उसको पकड़ना है। अभी उससे भी गहरा है कि मेरी भावनाओं में परिवर्तन, कि कोई व्यक्ति को आप देखो आपको अच्छा लगता है, दूसरे को देखो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो क्या चेंज आ रहा है, और उसको आप पकड़ेंगे तो वो है ना जड़ है सारी बात की। जैसे गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो उसको रोकना सहज है, हरिद्वार तक आ जाए फिर नहीं रोक सकते, तो ऐसे ही जो भी हमें दुख देने वाली भावनाएं हैं, टेंशन देने वाली जो बातें हैं, वो जब शुरू होती है तब कुछ करो तो पकड़ में आ जाएगा। मैं आपको कहीं टेक्निक भी बताऊंगा,
आज तो देखो टाइम भी हो गया, हाँ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? देखिए और चार सेशन में और बहुत कुछ बताऊंगा आपको, परंतु एक काम करना, भी कल सवेरे आएंगे ना तो पहले ही बोल देता हूं कि सवेरे 5 बजेंगे ना तो कुंभकर्ण आपके ऊपर वार करेगा। कुंभकर्ण बोलेगा अरे यार सो जा, आज ठीक से नींद नहीं आई है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सो जाएंगे? आपका चेहरा तो यही बोलता है कि आप तो सो जाएंगे। तो कुंभकर्ण पर आप विजय प्राप्त होंगे ना तो फिर रावण आप पर वार करेगा। रावण बोलेगा ये टकलू डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी का प्रचार करता है, तुमको नहीं जानना है। देखो अभी भी नहीं हंसते, मैंने बोला ना अपने पे हंसाता हूं तो भी नहीं हंसते। हाँ तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, रावण का मान लेंगे? हाँ देखो आए ब्रह्मा कुमारी का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं, ये सारे सेशन में 10% ही हो गया हान है, 90% तो मेरे अपने साइकोलॉजी के अनुभव है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अनुभव है ना। ब्रह्मा कुमारी का भी यही लक्ष्य है कि भी वो पॉजिटिव बातें लोगों तक पहुंचाना, तो रावण पर भी विजय प्राप्त जरूर करके आना है, ठीक है? अच्छा और देखो कहते हैं कि जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, परंतु जो हम दूसरों को सुनाते हैं वो हमको 80% याद रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, औरों को सुनाओ। हाँ एक व्यक्ति को तो सुना सकते हैं ना, हाँ कम से कम, और इसमें ना उसका फायदा नहीं आपका फायदा है। जो बातें आपको मेरी याद रही वो दो चार एक पकड़ के भी सुनाना तो आपको ज्यादा याद रहेगा। और यहां भी ले आना, एक को तो ला सकते हैं ना कि नहीं? आप बोलते हॉल भर गया है, वो हम प्रबंध करेंगे, आप चिंता नहीं करो। हाँ एक को तो ला सकते कि नहीं? अच्छा वो देखो आप 5 लोगों को लेके आएंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ट्राई करना है और पक्का। हाँ देखो इनाम में मिले वो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, तो जरूर 5 लोगों को लेकर के आना। देखो इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है। परंतु कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां स्टेशन ना टिकट होती है। ओम शांति, ओम शांति। एक बार बहुत प्यार से दोनों हाथ ऊपर करके हम ताली बजाएंगे और भाई सब का बहुत बहुत उमंग साहब बढ़ाएंगे। बहुत बहुत थैंक्स। जो मैंने आपकी सारे सेशन में से देखा, जिंदगी है तो ख्वाब है, जो भी सेशन में भाई सब ने सुनाया और मुझे मेरे मन में जो आया, तो जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, मंजिल है तो आप बता सकते हैं रास्ते हैं। वेरी नाइस। रास्ते हैं तो किसी ने बोल दिया यहाँ पर, बहुत हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी बैठे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं गिरीश भाई। मुश्किलें रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हिम्मत है, हिम्मत है तो सफलता है, हिम्मत है तो सफलता है। तो हिम्मत है कल सुबह मॉर्निंग में आने की, है हिम्मत? तो दो हाथ की ताली बजाइए, है हिम्मत। 5 लोगों को लाने की हिम्मत है? आप हॉल को नहीं देखो, दिल बड़ा होना चाहिए। मुझे कोई बचपन से कोई मेरी फ्रेंड कहती थी दिल बड़ा होना चाहिए जगह मिल जाएगी, तो दिल बड़ा होगा तो जगह मिल जाएगी। तो मैं अभी अपने आदरणीय राजेश दीदी जी, जिन्होंने पूरा सेशन हमारे साथ देखा, और आप कवि नगर, गाज़ियाबाद, वसुंधरा, आप पूरे टाइम चक्कर लगाते रहते हैं क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी सेंटर्स हैं वो आपकी गाइडेंस में चलते हैं। तो मैं आदरणीय राजेश दीदी को मंच पे बुलाना चाहूँगी। दीदी आप भी मंच पे आ जाएं। और हमारे बीच में अनीता राजपूत जी बैठी हैं, मैं उनको भी कहूँगी वो भी हमारे मंच पे आए। आप आज के हमारे गेस्ट हैं, MLA बुलंदशहर से हैं आप, तो मैं कहूँगी आप मंच पे आएं। MLA बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट
अनीता राजपूत जी और साथ ही साथ हमारी बहुत प्यारी रंजना बहन, जिनके माध्यम से आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। परमात्मा तो है लेकिन ऑर्गेनाइज आपके द्वारा ये पूरा प्रोग्राम किया गया है। गीता पाठशाला के इंचार्ज रंजना बहन, उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। आप सभी एक बार रंजना बहन, आपको सब हाथ हिला के थैंक्स दे रहे हैं, आप भी बहुत प्यार से उनको हाथ हिला के थैंक्स देंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे गेस्ट को थैंक्स करने के लिए कि आप आए, हमारी वसुंधरा की बहनें रेणुका बहन के साथ हमारी टीम आप सबका वेलकम करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर गिरीश पटेल भाई का वेलकम करने के लिए हमारे डायरेक्टर डाबर एरोमेटिक्स के डायरेक्टर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, दिवाकर भाई साहब, उनको कहूंगी आप डॉक्टर गिरीश पटेल का इस सेशन के, जो इतना सुंदर सेशन सुनाया उसका बहुत तहे दिल से आप वेलकम करेंगे, थैंक्स करेंगे। और बहने बैच लगा के बुके देकर आपको, बहुत सुंदर तुलसी का प्लांट है वो देकर आपको सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही साथ अनीता राजपूत जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, आप MLA हैं और आप खास इस प्रोग्राम के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। डॉक्टर रूपाली जी हमारे बीच में बैठी हैं, उनको मैं कहूंगी आप सामने आए। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं GS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलखवा हापुड़। देखिए कितनी दूर दूर से हमारे बीच में लोग पधारे हैं। साथ ही साथ हमारे आदरणीय, बहुत ही प्रिय, हम सबको चलाने वाली, पालना देने वाली आदरणीय राजेश दीदी जी हमारे बीच में बैठे हैं। और मैं कहूंगी कि हमारे बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के ब्रदर अमित जी जो DGM हैं वो पहुंचे हैं और कहेंगे उनको आप सम्मानित करें, बैचेस दें। और बहुत सुंदर तुलसी का फ्लावर आपको दिया जा रहा है प्लांट के रूप में। और इसके साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए, पूरा टाइम हमारे साथ दिन रात एक करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आदरणीय रंजना बहन जो गीता पाठशाला की ऑर्गेनाइज़र हैं, इंचार्ज हैं, तपन भाई और संध्या बहन को मैं बुलाना चाहूँगी। आप रंजना बहन को प्लांट से और बैचेस से सम्मानित करें। तपन भाई हमारे सोशल वर्कर हैं और आज जितना भी मीडिया हमारे बीच में पहुंचा है और अनीता राजपूत जी हमारे बीच में पहुंची हैं वो आपके ही प्रयास से आज यहां पर सफल हो पाया है। तपन भाई और हमारी संध्या बहन, अभी मैं आदरणीय अनीता जी से जो हमारे बीच में बहुत समय से बैठे हैं और मैं देख रही थी आप बहुत प्यार से पूरे सेशन को सुन रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूँगी आप दो मिनट आपने क्या सुना, क्या आपको अच्छा लगा, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ग्रीटिंग्स बाय अनीता राजपूत बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद ईशु बहन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी तपन भारती जी का और संध्या दीदी का, जिन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया। और मैंने डॉक्टर गिरीश पटेल जी का जो पूरा लेक्चर था, या यूं कहिए कि एक बहुत ही व्यावहारिक तरीके से उन्होंने जो हमारे जीवन की जो जटिल जीवन शैली हो गई है उसको बहुत ही सरल करने का जो तरीका बताया, मैं उसके लिए डॉक्टर गिरीश पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि सच में आपने उस नब्ज को छुआ जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत कुछ आपने सुना है और उसे फॉलो करना है। बस मैं अपने जीवन का एक अनुभव, जो कि मैंने यूँ कहिए कुछ कुछ आध्यात्मिक जो गुरु हैं या इसी तरह से, बहुत ऐसे सेमिनार्स तो नहीं अटेंड किए लेकिन इसी तरह से, जैसे मेरी संध्या दीदी हैं वो मेरे लिए खुद में एक गुरु हैं, तो उनसे सीखा है। मैंने जो पूरा एक लेक्चर था उसमें जो महसूस किया और आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, दो चीज़ें जो हम जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं और सुखी रहना चाहते हैं,
एक तो आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, हमारी विल पावर हमसे हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बुरी समस्या आ जाए, लेकिन आत्मविश्वास और विल पावर, ये कहने में आसान भी लगता है, लेकिन सच में उस वक्त जब आप बुरे वक्त से गुजरते हैं, तब अपने आप को संभाले रखना सबसे बड़ी ताकत हमारी होती है। और दूसरा जो सर ने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच वो भी भावनाओं के साथ, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर का जो जीवन है वो बहुत ऐसे मतलब फिल्मी टाइप हो गया है। हमारी जो जीवन शैली है उसमें भावनाओं का बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है, बहुत ज़्यादा भावनाओं में कमी आई है। जैसे हम कोई भी त्यौहार होता है उसका बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया, चीज़ों को जो उनके जो असली जो रूप था, जो तथ्य थे, जिस वजह से वो थे, वो सब कहीं विलुप्त हो गए। मैं एक बहुत ही इंटीरियर में, मेरी विधानसभा है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में डिबाई, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है, 285 गांव है मेरी विधानसभा में। मैं जब यहाँ दिल्ली एनसीआर की जीवन शैली से जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ एक बहुत अपनापन है। वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक अपनापन है, एक भावनात्मक जुड़ाव है जो मुझे काम करने की शक्ति देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जीवन शैली जितनी साधारण होगी, जितनी सरल होगी, उतना ही शायद हम खुश रह पाएंगे। और एक छोटा सा वाक्या है, मेरे फादर बहुत बीमार थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, संध्या दीदी और तपन भारती जी जानते हैं, वो बहुत ही पवित्र आत्मा थे मेरे पिताजी, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जैसे कि डॉक्टर गिरीश पटेल जी बता रहे थे कि धन्यवाद दो, मेरे पिताजी इस दुनिया में 6 साल से नहीं हैं, 2012 में उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज भी मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं कराया कि तुम बेटी हो, ये मत करो, ये मत करो या ये करो। उन्होंने सिर्फ पिता का फर्ज निभाया, एक संबल की तरह मेरे साथ खड़े रहे, और उसका उदाहरण हूँ मैं, कि मैं आज जो आत्मविश्वास है मेरे माता पिता की वजह से मुझ में है। और मैं चाहती हूँ कि इस आत्मविश्वास को मैं यूं ही उनको धन्यवाद के रूप में वापस करती रहूं। मेरे जो धन्यवाद वाली बात थी, ये मैं डॉक्टर गिरीश पटेल, मैं इसे अपने जीवन में सही मायने में करती भी हूं। तो मैं अपने उस जो मेरे पिताजी थे जो इस दुनिया में नहीं है, आज भी मैं हर पल उनको धन्यवाद देती हूं, और सच में ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं हर पल महसूस करती हूं कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। तो ये धन्यवाद वाला जो फॉर्मूला आपको बताया है डॉक्टर गिरीश पटेल जी ने, वो सच में कारगर है। यदि आपसे किसी का झगड़ा भी हो जाए या आपके लिए कोई बुरा सोचे भी, मगर आप उसे धन्यवाद देते रहिए, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ्स, आपकी ये जो हमारी तरंगे हैं वो उस तक पहुंचेंगी, और जब आप उससे मिलेंगे तो वो सच में आपको वेलकम करेगा बजाय लड़ने झगड़ने के। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। और एक छोटी सी बात और, क्योंकि समय कम है, छोटी सी बात, इंसान जो है खुशी, जो डॉक्टर गिरीश जी ने कहा कि कहीं विदेश यात्रा में नहीं मिलती, मॉल में नहीं मिलती, कहीं बाहर जाके नहीं मिलती, खुशी सारी की सारी खुशी, इस दुनिया भर की खुशी सिर्फ छोटे से दिमाग में होती है। आप यहाँ से खुश हैं, यहाँ से संतुष्ट हैं, तो यहाँ से नीचे का भाग अपने आप अच्छे से काम करता है। और मैं विधायक हूँ, वैसे मैं बताना चाहूँगी डॉक्टर गिरीश पटेल, मैं एग्रीकल्चरल साइंस में PhD हूँ इन प्लांट पैथोलॉजी, और मैंने गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया है। शुरू में मेरे लिए राजनीतिक जो जीवन था, राजनीतिक जो ये क्षेत्र है, मेरे लिए बहुत कठिन लगता था, लेकिन जो आपने कहा कि अपने कार्य को एंजॉय करो, अपने जो भी काम कर रहे हो उसको खुशी से करो, और आज मैं अभी डिबाई से ही आ रही हूँ जो यहाँ से कम 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं अपने कार्य काम को खुशी से करने लगी हूँ, तो मुझे उसमें खुशी मिलने लगी है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी हृदय से आप सभी का कि आप सब ने डॉक्टर गिरीश जी को इतना सराहा सुना, लेकिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मैं रंजना दीदी को और राजेश दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरे यहाँ भी ब्रह्म कुमारी का संस्था जो है वो चलती है, और उसके बीच बीच में कार्यक्रमों में जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत थैंक्स। और आदरणीय दीदी मंच पे ही बैठे हैं, दीदी एक मिनट, आप आज इस परिवार को क्या ब्लेसिंग देंगे इस इनॉग्रेशन पे? आदरणीय राजेश दीदी हम सभी के बीच में हैं, दीदी आप बताएं। ओम शांति। सभी तीन बार बोलेंगे क्या? ओम शांति। आवाज नहीं आई। ओम शांति। अभी भी नहीं आई। ओम शांति। अब मैं किस किस का धन्यवाद करूं, क्योंकि मेरे घर में ही मेरे भाई बहन मुझे मिलने के लिए आए, तो किसको खुशी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? इतने बहन भाई इकट्ठे मिल जाएं, मैं कहती है तो दिन रोज ही आना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ना? और सबसे पहले तो मैं रंजना बहन को कभी भी ये नहीं समझती, मैं हमेशा इनसे पूछो, मैंने कहा आप कहो और मैं हाजिर। मैं कभी भी ना शब्द का मैं कभी प्रयोग नहीं करती, लेकिन इस वर्ष मैंने एक और प्रतिज्ञा की थी कि मुझे जब भी कोई बुलाएगा मैं तुरंत भागी चली आऊंगी। लेकिन और आज मैं आपको इतना कहूंगी, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि चेहरे से ही सब कुछ है, चेहरे के अंदर ही सब कुछ है। कैसे? कहा कि अभी आप लोग खड़े हैं, सारा प्रतिबिंब आंखों में आ जाता है। दुनिया में एक गीत भी बना हुआ है कि लाख छिपाओ छिप नहीं सकता, राज है इतना गहरा, लेकिन दिल की बात बता देता है। अब आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि आप लोग कितने खुश हैं और आप लोगों ने कितना ग्रहण किया, इसीलिए यहाँ से सब खुशी लेके जाएंगे, घर भी जाएं खुश रहें और खुशी बांटें। थैंक यू दीदी सो मच, थैंक यू। आज हमें हॉल पूरा करना है क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, तो अभी हम दीप प्रज्वलित करके बिल्कुल साइलेंस में जो जहाँ खड़े हैं खड़े हो जाएं, और हमारे जितने भी भाई यहाँ पर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप थोड़ी सी हमारी टीम को मदद करेंगे तो हम सभी चेयर्स को भार कर सकेंगे। पर इस प्रोग्राम के बाद जस्ट 5 मिनट उसकी स्मृति में हमारे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, हम नाम अनाउंस करते जाएंगे और सभी नीचे 2 कैंडल्स रखे हैं, स्टैंड लैम्प ऊपर रखा है, तो अनीता बहन हमारे पास ऊपर बैठे हैं, आप भी कैंडल लाइटिंग के लिए हैं। मनीष जी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सीए राज चावला जी एक्स चेयरमैन एनआईआरसी, जो भी कैंडल लाइटिंग के गेस्ट है सामने की तरफ ऑडियंस की तरफ अपना फेस डायरेक्टर ऑडिट एंड रिस्क, मनोज दिवाकर जीएम उनको प्लीज आ जाए, रघुवीर जी एबीपी न्यूज, डॉक्टर भारत भूषण जैन मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं आप भी सामने आ जाए, अमित जी बीबीएल डीजीएम, लोकेश भाई जहां कहीं भी वो सामने आ जाए, फाइनेंस अकाउंट एजीएम फाइनेंस एंड अकाउंट्स एलाइट निपॉन कंपनी, नरेश भाई जहां भी वो सामने आ जाए, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एमएमटीसी बैंक। मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी कैंडल लाइटिंग के गेस्ट अपना चेहरा सामने रखेंगे ताकि फोटो आ पाए और अच्छे से इस प्रोग्राम को समापन कर पाए। तपन भाई से भी रिक्वेस्ट है आप भी आ जाए, तपन भाई और सपना बहन आप भी कैंडल लाइटिंग के लिए आ जाए। और हम सभी अपने
लाइटिंग के गेस्ट हैं, सभी स्टेज पर आएंगे। डॉक्टर गिरीश भाई देंगे। डॉक्टर गिरीश भाई को मैं कहूंगी आप अनीता राजपूत जी जो हमारी MLA हैं बुलंदशहर UP डिस्ट्रिक्ट की, उनको आप बहुत सुंदर सौगात दें। गिरीश भाई अनीता बहन को सौगात दे रहे हैं। आप देखिए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक छोटा सा भेंट अनीता जी के लिए डॉक्टर गिरीश भाई की ओर से। डॉक्टर रूपाली मैनेजिंग डायरेक्टर GS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप भी आ जाएं, आदरणीय गिरीश भाई की ओर से आपको सौगात दी जाएगी। संगीता शर्मा जी डायरेक्टर परिवर्तन स्कूल राजनगर, आप भी आ जाएं, आदरणीय राजेश दीदी की तरफ से आपको सौगात दी जाएगी। रोहित सैनी भाई ब्रांच हेड मैनेजर फेडरल बैंक, आप भी सामने आए, आदरणीय रंजना बहन की ओर से आपको सौगात दी जाएगी। एडवोकेट SK मिश्रा जी डायरेक्टर NGO लोक जागृति, अगर पहुंचे हैं तो सामने आ जाएं, आदरणीय राजेश दीदी की ओर से आपको सौगात दी जाएगी। एडवोकेट SK मिश्रा भाई NGO लोक जागृति। सतेंद्र श्रीवास्तव डायरेक्टर ऑडिट एंड रिस्क, आपको भी आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई की ओर से सौगात दी जाएगी। सतेंद्र श्रीवास्तव डायरेक्टर ऑडिट एंड रिस्क। मनोज भाई GM हुटको, मनोज भाई अगर पहुंचे हैं GM हुटको, आप जनरल मैनेजर हैं हुटको में, आपको आदरणीय राजेश दीदी की ओर से सौगात दी जाएगी। डॉक्टर भारत भूषण भाई पहुंचे हैं तो डॉक्टर भारत भूषण भाई मैक्स हॉस्पिटल। रघुवीर भाई ABP न्यूज अगर हमारे बीच में है तो वो भी आ जाएं, रघुवीर भाई आदरणीय रंजना बहन की ओर से आपको सौगात दी जाएगी। अमित जी BEL DGM फाइनेंस, आप भी मंच पे आ जाएं, आपको आदरणीय राजेश दीदी की ओर से सौगात। लोकेश भाई लोकेश ब्रदर लोकेश फाइनेंस अकाउंट AGM है आप फाइनेंस अकाउंट एलाइड निपॉन में, आप भी सामने आ जाएं, आदरणीय राजेश दीदी की ओर से आपको सौगात दी जाएगी। नरेश भाई CFO FMTC पैम, आप भी जहां हैं आदरणीय दीदी के पास मंच पे पहुंच जाएं, आदरणीय राजेश दीदी की ओर से CFO हैं आप MMTC पैम में। तपन भाई और संध्या बहन को मैं पुनः निमंत्रण करना चाहूंगी, आदरणीय गिरीश भाई की ओर से आपको सौगात दी जाएगी। आदरणीय गिरीश भाई तपन भाई और सपना बहन को ब्रह्मा कुमारी की ओर से सम्मानित करते हुए सौगात देते हुए हमारे नीरज भाई बैठे हैं डाबर एरोमेटिक्स। नीरज भाई आप HR में हैं, बहुत समय से आप हमारे संपर्क में हैं, आप भी स्टेज पर आए, आपको आदरणीय रंजना बहन की ओर से सौगात दी जाएगी। नीरज भाई डाबर एरोमेटिक्स HR, नीरज भाई लोकेश भाई निपॉन एलाइट कंपनी के आप AGM हैं फाइनेंस एंड हेड, आपको भी सौगात दी जा रही। AK घोसला भाई हमारे बीच में है तो मंच पर आ जाएं, AK घोसला भाई डायरेक्टर APS, डायरेक्टर APS AK घोसला भाई हमारे बीच में है तो मंच पर आ जाएं, आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई की ओर से आपको सौगात दी जा रही है। AK घोसला डायरेक्टर APS डॉक्टर अर्चना बहन अगर हमारे बीच में है, डॉक्टर अर्चना बहन आप स्टेज पर आए और आदरणीय राजेश दीदी से आप सौगात में। डॉक्टर अर्चना बहन MS कॉलेज, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल मंच पे आ जाए।